विधानसभा चुनाव नजदीक है और दल बदल का खेल जोरों पर है। इसी खेल में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता और जालौन के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिओम उपाध्याय पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हरिओम उपाध्याय का जालौन में काफी रुतबा है और चुनाव से पहले उनका बीजेपी छोड़ना पार्टी को एक बड़ा झटका है। जालौन में हरिओम के काफी समर्थक हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो सभी हजारों कार्यकर्ता भी अब सपा के हो गए हैं, यानी हरिओम उपाध्याय के बीजेपी के जाने से पार्टी को जालौन क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल उपाध्याय बीजेपी के लिए जालौन और झांसी क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरा थे और सपा में जाने से ब्राह्मण वोटों पर बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी उपाध्याय बसपा में रह चुके हैं और वो मंत्री भी रहे। हरिओम माधोगढ़ से बसपा के टिकट पर विधायक भी रह चुके हैं। हरिओम ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान हरिओम ने बताया कि उन्हें बीजेपी में उचित सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। बताया जा रहा है कि हरिओम एक बार फिर से माधोगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी और इसी के चलते उन्हें बीजेपी का दामन छोड़ सपा से हाथ मिलाना पड़ा। दरअसल हरिओम उपाध्याय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से ही की थी। शुरू में उन्होंने संगठन जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में काम किया और पार्टी ने उन्हें 2001 में बीजेपी का जालौन का जिला अध्यक्ष बना दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निकाल दिया गया और फिर हरिओम बसपा में शामिल हो गए। माधोगढ़ विधानसभा से 2007 में हरिओम ने जबरदस्त जीत हासिल की, जिसके बाद बीएसपी सरकार में उनका प्रमोशन हुआ। उन्हें होमगार्ड विभाग का कबीना मंत्री बनाया गया। 5 साल काम करने के बाद हरिओम का बसपा से भी मोह भंग हो गया और वो फिर बीजेपी में चले गए, लेकिन इस बार भी ये घर वापसी उन्हें रास नहीं आई। पहले हाथी की सवारी, फिर कमल और अब साइकिल, यानी सत्ता के सफर में हरिओम उपाध्याय सपा के लिए अहम भागीदारी निभा सकते हैं, क्योंकि वो सत्ता पक्ष और बसपा की कमजोरियां जानते हैं, जिसका फायदा सपा को मिल सकता है।